देश भर में अब राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव से पहले संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जनता तक अपनी पहुंच को और आसान कैसे बनाया जाए, इस पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दलों के नेता कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं। कोई कसर बाकी न रह जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच अजित पवार गुट के मंत्रियों को भी टास्क मिल गया है। एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद जहां एक तरफ शरद पवार मैदान में उतरकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं अब अजित पवार गुट ने भी पार्टी को मजबूत करने पर जोर दे दिया है। अजित पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल सभी 9 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम अजित पवार को पुणे, सतारा, सांगली और सोलापुर जिले की जिम्मेदारी दी गई। एक बयान में इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी गई। देश भर में अब राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव से पहले संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और जनता तक अपनी पहुंच को और आसान कैसे बनाया जाए, इस पर काम शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों दलों के नेता कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं। कोई कसर बाकी न रह जाए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच अजित पवार गुट के मंत्रियों को भी टास्क मिल गया है। एनसीपी में दो फाड़ होने के बाद जहां एक तरफ शरद पवार मैदान में उतरकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं अब अजित पवार गुट ने भी पार्टी को मजबूत करने पर जोर दे दिया है। अजित पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल सभी 9 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम अजित पवार को पुणे, सतारा, सांगली और सोलापुर जिले की जिम्मेदारी दी गई। एक बयान में इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी गई।